हरे कृष्णा। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन यहां पर है, बहुत सुंदर तरीके से ब्रह्मा जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय यहां पर हमें समझा रहे हैं। हमें ज्ञात है किस प्रकार से ये चार कुमार भगवान को देखने के लिए अत्यंत आतुर थे। ये कथा कुमारों की क्यों बताई जा रही है, किसको याद है, कौन बता रहा है, किसको बता रहा है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। किनको बता रहे हैं? देवताओं को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? उन्होंने क्या पूछा था? देवताओं ने प्रश्न किया था, उन्होंने देखा घोर अंधकार छा रहा है, तो देवतागण घबरा गए। इस प्रकार का घोर अंधकार उन्होंने कभी नहीं देखा था, लग रहा था कि प्रलय होने वाली है, तो घबरा गए। तब ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी उन्हें बता रहे हैं ये घोर अंधकार कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा था? क्योंकि दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, ये दुष्ट राक्षस असुर जन्म लेने वाले थे। जन्म लेने से पहले ही घोर अंधकार। तब ब्रह्मा जी वो कथा बता रहे हैं इन दोनों असुरों का जन्म कैसे हुआ। ये दो असुर कौन है? ये दो असुर धरती पर कैसे आए? ये दो असुर कौन है? जय और विजय। धरती पर कैसे आए? इन चार कुमारों ने उनको शाप दिया। क्यों शाप दिया? क्योंकि जब ये चार कुमार अत्यंत आतुरता के साथ भगवान के इस भौतिक संसार के कलमशों से मुक्त होकर के अत्यंत योग्य थे भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको रोका गया। इसलिए उन्होंने इन दो द्वारपालों को, वैकुंठ के दो द्वारपालों को शापित किया। ये कथा बता रहे। तो ये जो प्रसंग यहां पर है, ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं क्या हुआ। तो इन्होंने अभी तक वर्णन किया कि जब छह द्वारों को पार करके चार कुमार सातवें द्वार पर गए, वहां पर इन दो द्वारपालों ने, जय और विजय ने उनको रोक दिया। तो ये चार कुमार अत्यंत क्रोधित हो गए और इन्होंने इन दो द्वारपालों को शाप दे दिया। तो उस समय में भगवान स्वयं जो वैकुंठ लोक में विराजमान थे नारायण के रूप में, भगवान अपने गरुड़ के ऊपर सवार होकर के वहां पर आए, द्वार पर आए। और जब भगवान द्वार पर प्रकट हुए, ब्रह्मा जी वो सुंदर वर्णन बता रहे हैं। जब भगवान वैकुंठ धाम से उस सातवें द्वार पर इन चार कुमारों को अपना दर्शन देने के लिए आए, वो सुंदर वर्णन यहां पर किया गया है। तो यहां पर कहा है, अत्रो उपस्पृष्टम इति चोत्स्मितं इंदिरायः
इंदिराया का मतलब होता है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जो है तीनों संसारों में, तीनों लोकों में अत्यंत सुंदर है, सौंदर्यवान है, इसलिए उनका नाम क्या है, इंदिराया, जो अत्यंत सुंदर है, मनमोहक है। लेकिन जब भगवान वहां पर प्रकट हुए, उपस्पृष्टम इति चोत्सिमम, उपस्पृष्टम का मतलब है पराजित करना, जिन लक्ष्मी को अपनी सुंदरता के ऊपर गर्व है, क्योंकि वो सबसे सुंदर है, उत्स्मितम, उत्स्मितम का मतलब जिनको अपनी सुंदरता के ऊपर गर्व है, लेकिन उपस्पृष्टम, भगवान के प्रकट होने पर माता लक्ष्मी जो इतनी मनमोहक है, जिन्हें अपनी सुंदरता पर गर्व है, उनकी सुंदरता भी पराजित हो गई भगवान की सुंदरता के सामने। एक्चुअली औरत की सुंदरता को काम कहते हैं, कामदेव। जब कामदेव हमारे ऊपर बाण छोड़ता है तो हम पराजित हो जाते हैं, करेक्ट है ना। व्यक्ति एक सुंदर स्त्री को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है, पराजित हो जाता है। आप सबने वो प्रभुपाद जी की कथा सुनी होगी, प्रभुपाद जी एक आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में एक छोटी सी कथा बताते हैं, भौतिक संसार में हम किस प्रकार से कामदेव के द्वारा बाण छोड़ने से, इस प्रकार से भौतिक सुंदरता के द्वारा किस प्रकार से पराजित हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी, एक व्यक्ति उसके रूप को देख करके इतना मुग्ध था कि हमेशा किसी न किसी प्रकार से उससे मिलन करना चाहता था, उसके लिए प्रतीक्षा करता। एक दिन प्रतीक्षा करने के उपरांत उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारी सुंदरता पर अत्यंत मुग्ध हूं, मैं चाहता हूं कि इस सुंदरता को मैं आलिंगन करूं। तो वो जो स्त्री थी वो आध्यात्मिकता की तरफ उसका झुकाव था, और उसकी समझ में था भौतिक सुंदरता असल में कोई सुंदरता नहीं है। एक्चुअली अगर हम लोग देखें, जो सुंदरता हमें दिखती है वो आधी इंच से भी कम की सुंदरता है। आधा इंच अगर हमें हमारी खाल को निकाल दिया जाए, हमारी असली सुंदरता सामने आ जाएगी। वो भगवान ने, माया ने इस प्रकार से पैकेजिंग किया है कि बड़े सुंदर दिखते हैं। तो स्त्री ने सोचा कि इस व्यक्ति को सही पाठ पढ़ाया जाए, ये मेरी इस भौतिक सुंदरता के पीछे पागल है, तो मैं इसे सही प्रकार का पाठ समझाना चाहती हूं। तो स्त्री ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, एक हफ्ते के बाद इसी स्थान पर मैं तुम्हें यहां पर मिलूंगी और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी, तब तुम खुले दिल से मन लगा करके मेरी सुंदरता को आलिंगन कर सकते हो। तो ये व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, और आपको पता है कितना मुश्किल होता है दिन काटना, क्षण क्षण काटना।
एक एक सेकंड भी उसको लग रहा था कि 12 साल हो गए, इंतजार में बैठा है कब 7 दिन बीतेंगे और मैं उस जगह पर जाऊंगा और उस सुंदर स्त्री का आलिंगन करूंगा। 7 दिन के बाद पहुंच गया। स्त्री ने पाठ सिखाने के लिए क्या किया, वो एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास गई और उनकी सलाह के द्वारा उसने कुछ दवाइयां ली। अंग्रेजी में उन दवाइयों को कहते हैं लेक्सेटिव पर्गेटिव्स। लेक्सेटिव का मतलब होता है उन दवाइयों को खाने से पेट में जो है दस्त लग जाते हैं, डिसेंट्री हो जाती है, जो भी आप खाएंगे डिसेंट्री के रूप में बाहर आ जाएगा। पर्गेटिव्स का मतलब होता है उन दवाइयों को खाने से आप जो भी खाएंगे उल्टी कर देंगे, वॉमिट जिसे कहते हैं, वॉमिटिंग। और उसने क्या किया, 7 दिन तक जो भी उसने उल्टी की, वॉमिटिंग की, उसको सुंदर सुंदर बकेट्स में, बाल्टियों में भर के रख दिया। जो भी डिसेंट्री आती थी, स्टूल, उसको भी सुंदर बकेट में जो है उसने सजा करके रख दिया। और 7 दिन के बाद में जो है उसी स्थान पर पहुंच गई। ये पुरुष, ये व्यक्ति बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहा था, टाइम देख रहा था, क्या हो गया, स्त्री अभी तक आई नहीं। तब उसने देखा एक बदसूरत भद्दी लगने वाली एक स्त्री वहां पर बैठी है, बिल्कुल कमजोर दुबली पतली स्त्री वहां पर बैठी है। तो उसने पूछा कि यहां पर मैं एक सुंदर स्त्री का, उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उसने मुझे वचन दिया था कि यहां पर वो आएगी और मैं उसकी सुंदरता का आलिंगन कर सकूंगा, क्या तुमने उस सुंदर स्त्री को देखा है? तो इस भद्दी लुकने वाली जो दिखने वाली जो स्त्री थी, जो बिल्कुल बदसूरत दिख रही थी, इसने कहा, मेजबान वो सुंदर स्त्री मैं हूं। तो इस व्यक्ति के होश उड़ गए, सोचने लगा 7 दिन पहले इतनी सुंदर थी, आज ये कह रहे कि मैं वही सुंदर स्त्री हूं। तो उसने कहा, तुम्हारी सुंदरता को क्या हुआ? नहीं, मेरी सुंदरता को मैंने अलग कर दिया है, और तुम बहुत चाहते थे कि मेरी सुंदरता का आलिंगन करो, तो एक काम करो, आप सीधे जाओ, उस दरवाजे को खोलो, वहां पर मेरी सुंदरता है, आप उसका जी भर के आलिंगन कर सकते हैं। तो उसने क्या किया था, उस दरवाजे के पीछे जो उसका सारा मल था, जो उसकी सारी उल्टी थी, वो सारी उसने जो है बकेट्स में, बाल्टियों में भर के रखी थी। तो उस व्यक्ति का क्या असर होगा उसके ऊपर हम लोग समझ सकते हैं। तब उस स्त्री ने उसको समझाया, मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें क्या इतना ज्ञात नहीं, यही मेरी सुंदरता का राज है, यही मल, यही गंदगियां जब मेरे शरीर के अंदर में थी, ये शरीर बड़ा सुंदर दिखता था, तो यही मेरी सुंदरता का राज है, आज मैंने उसको निकाल दिया है, आज मेरी आप सुंदरता देख सकते हैं। इसको कहते हैं लिक्विड ब्यूटी, वो ब्यूटी जो एक दिन निकल जाएगी, जो चली जाएगी। एक्चुअली सुंदरता इस शरीर में नहीं है, सुंदरता आत्मा में है। ये शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आपको मिस यूनिवर्स से क्यों ना लगाव हो, लेकिन उस मिस यूनिवर्स की मृत्यु होने के पश्चात आप में से कितने व्यक्ति चाहेंगे, एक हफ्ते के लिए, 1 वीक मुझे टाइम दो, एक हफ्ते के लिए उस मिस यूनिवर्स को मैं अपने घर में सजा करके रखूंगा? नहीं, एक दिन भी हम लोग नहीं रखेंगे, उसमें से बदबू आएगी,
वही शरीर जो सुंदर दिखता था बिल्कुल बदसूरत हो जाएगा सूझ करके। जिस शरीर का हम लोग आलिंगन करना चाहते हैं उस शरीर के मृत होने के बाद हाथ लगाने से भी डरोगे, हाथ लगाने के बाद स्नान करना पड़ेगा ऐसा लगेगा आपको। कहां है सुंदरता? जिस सुंदरता के पीछे हम लोग भागते हैं कहां इस जगत के अंदर में सुंदरता? सारी सुंदरता, सारी नवीनताएं भौतिक संसार में, सारी जवानियां सब ढल जाएंगी। तो भागवत में ये प्रसंग बताया है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान की सुंदरता को देखो। भगवान की सुंदरता इतनी महान है, इतनी सुंदरता है कि जिस सुंदरता से हम लोग प्रभावित है इस भौतिक संसार में, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ब्रह्म संहिता में कहा है करोड़ों कंदर्प कोटि, कोटि का मतलब होता है करोड़, करोड़ों करोड़ों कामदेव। हम लोग एक सुंदरता के पीछे पागल हैं, करेक्ट है ना? पूरा जीवन हम लोग कई बार जो है बलिदान कर देते हैं, हम लोग ताजमहल बना करके बैठ जाते हैं मुमताज बेगम के लिए। भौतिक सुंदरता के पीछे लोग इतना पागल है, जरा सोचिए एक सुंदरता के पीछे। ब्रह्म संहिता में कहा है करोड़ों ऐसी सुंदर सुंदरियां, कामदेव जो इतने सुंदर हैं, जिनके द्वारा सारी सुंदरता इस भौतिक संसार में। मनीय विशेष शोभम, करोड़ों कामदेव भी भगवान की सुंदरता के सामने अपना सर झुका लेंगे। भगवान इतने सुंदर है तो ये यहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तीनों लोकों में कामदेव तो दूर, माता लक्ष्मी, कामदेव ठीक है इस भौतिक संसार में अत्यंत सुंदर माने जाते हैं, उनकी सुंदरता पर सब लोग पागल हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में लक्ष्मी जी अत्यंत सुंदर मानी जाती है, भौतिक संसार में भी और आध्यात्मिक संसार में भी लक्ष्मी जी जो है अत्यंत सुंदर है। लेकिन यहां पर बताया है जैसे ही भगवान नारायण वैकुंठ लोक से वहां पर प्रकट हुए, भगवान के प्रकट होने से माता लक्ष्मी का सौंदर्य भी पराजित हो गया। क्या लिखा है? अत्र उपस्पृष्टम, पराजित हो गया, उपस्पृष्टम इति चोत्स्मितम। जिस सुंदरता के ऊपर माता लक्ष्मी को भी गर्व है, इंदिरायाः, इंदिराया मतलब लक्ष्मी माता, जिनको अपनी सुंदरता के ऊपर गर्व है उनकी सुंदरता भी पराजित हो गई। और भगवान जो है उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत है, हमारी सुंदरता क्या होती है, अगर और बाकी सुंदर लोग हैं तो हमारी सुंदरता कम हो जाती है ना? जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टार्स हैं वो चमक रहे हैं, तो क्या होता है एक तारा चमक रहा है दूसरा तारा चमक रहा है एक दूसरे की सुंदरता को कम कर देते हैं। लेकिन भगवान की सुंदरता को देखिए, आध्यात्मिक सुंदरता क्या होती है। भगवान वैकुंठ लोक में अकेले नहीं है, अपने सुंदर भक्तों से घिरे हुए, भगवान गरुड़ के साथ में आए, लक्ष्मी के साथ में आए, भगवान अपने भक्त गणों के साथ में आए, उन सबकी सुंदरता से भगवान की सुंदरता और बढ़ गई। ये यहां पर बताया स्वानाम, स्वानाम मतलब भगवान अपने भक्तों के संग में, दिया उनकी बुद्धि के द्वारा, विरचितम बहु सौष्ठवाढ्यम अनेकों गुणा, बहु अनेकों गुणा भगवान की सुंदरता जो है अपने शुद्ध भक्तों से घिरे रहने के कारण
भगवान की सुंदरता और अत्यधिक बढ़ गई। इसलिए क्या कहा है उसको जरा पढ़ता हूं। नारायण का अनुपम सौंदर्य अपने भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षकमय था कि वह अति सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्व को भी पराजित कर रहा था। इतनी महान जो है भगवान की सुंदरता है। अपने भक्तों के घिरे रहने के कारण भगवान की सुंदरता और बढ़ गई और माता लक्ष्मी की सुंदरता को जो है उसको भी पराजित कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? आगे कह रहे हैं भगवान की सुंदरता इतनी महान है, हे देवतागण, मह्यम, मैं भी भगवान की उपासना करता हूं। भवस्य, शिवजी भी भगवान की उपासना करते। भवस्य मतलब शिव भगवान, मह्यम मतलब ब्रह्मा जी कह रहे मैं। भवताम च, और तुम सब देवता भी भगवान की ही उपासना करते हो। भजन्तम अंगम, तो ये जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं न केवल हम भगवान की उपासना करते हैं, जब इन चार कुमारों ने जो उस समय अत्यंत क्रोधित थे, करेक्ट, बहुत क्रोध में थे क्योंकि उनको जो है भगवान के दर्शन से जो है विमुख किया गया, अत्यंत आतुर थे भगवान से मिलने के लिए, तो उनको क्या हुआ? नेमुर, उन्होंने अपना सर झुका लिया भगवान के चरण कमल के ऊपर, नतमस्तक हुए और अपनी आंखों के द्वारा जो कभी तृप्त नहीं होती है ना, भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं हमारी आंखें तृप्त नहीं होती, एक सुंदरता को देखते हैं, थोड़े दिन देखते हैं, बाद में दूसरी सुंदरी को देखते हैं, बाद में तीसरी को देखते हैं, है ना, ये भौतिक संसार है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में भगवान की सुंदरता इतनी महान है, वो अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, निरीक्ष ना वितृप्त दृशो। निरीक्ष मतलब देखने से तृप्त नहीं हो रहे हैं, भगवान को देखते जा रहे हैं। ये भगवान की महान सुंदरता है। और तात्पर्य में प्रभुपाद बड़ा सुंदर अर्थ समझाते हैं। देखिए, इसलिए भागवत पढ़ने का मतलब हमें समझना चाहिए। भागवत परगिया भागवत स्थाने, हमें जाकर के जो है 7 दिन का भागवत सप्ताह अटेंड नहीं करना है, उसमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हमें दूसरे भागवत के द्वारा भागवतम समझना है, प्रभुपाद जैसे महान भक्तों के द्वारा भागवत समझना है। अन्यथा ये जो इसके अंदर में जो गूढ़, जो इतना रस छिपा है, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कितने सुंदर प्रकार से प्रभुपाद जो है तात्पर्य में समझा रहे हैं, भगवान की सुंदरता का अर्थ समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं वैकुंठ लोक में भक्त जो है भगवान को अत्यंत सुंदर रूप से उनके दर्शन करना चाहते हैं। भगवान कौन है, उनका नाम यहां पर क्या बताया गया तात्पर्य में? नारायण है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ बता रहे हैं, भगवान को क्या कहते हैं? मदन मोहन, वेरी गुड, वो भी है। लेकिन एक और चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भक्त वत्सल। भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए राजी है। तो
वैकुंठ लोक में भक्त लोग भगवान को अत्यंत सुंदर रूप से देखना चाहते हैं, इसलिए भगवान लक्ष्मी की सुंदरता को भी वैकुंठ लोक में पराजित कर देते हैं, क्योंकि भगवान अत्यंत सुंदर है। लेकिन इसलिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं, भगवान की सुंदरता को देख करके चार कुमार अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे हैं, बिना ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें अभी तृप्त नहीं हुई, लगातार भगवान को देखना चाहते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन धाम में क्या है, कौन बताएगा? भक्त लोग क्या देखना चाहते हैं? भक्त लोग श्रीमती राधा रानी को अत्यंत सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान भक्तवत्सल हैं, तो भगवान अपनी भक्तों की इच्छा वहां पर भी पूरी करते हैं, और इसलिए श्रीमती राधा रानी जो है उनकी सुंदरता अत्यंत श्रेष्ठ है गोलोका वृंदावन में। इतनी श्रेष्ठ है राधा रानी की सुंदरता, यहां पर बताया गया कि भगवान उनकी सुंदरता के ऊपर मंत्रमुग्ध पागल हो जाते हैं। इतनी राधा रानी की सुंदरता है गोलोक वृंदावन धाम में। इसका मतलब क्या है? श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की देवी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी है। उसी अंतरंगा शक्ति को भगवान की भक्ति कहते हैं। रूप गोस्वामी एक बड़ा सुंदर अर्थ समझाते हैं, ये सब हमें समझना चाहिए। देखिए, भक्ति जो है भावुकता मात्र नहीं है, भक्ति के अंदर में बहुत गूढ़ ज्ञान है, लेकिन सरल है लेकिन अत्यंत गूढ़ ज्ञान है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति के, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं, 6 सिम्टम्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। कौन बताएगा पहला लक्षण कौन सा है? हम लोग सभी लक्षणों की बात नहीं करेंगे, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसकी आज हम जो है चर्चा करेंगे, जो आज के श्लोक से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला लक्षण कौन सा है भक्ति का? नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु में पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, भक्ति के 6 महत्वपूर्ण लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण क्या है? माधुरता, नॉट एग्जैक्टली, आदुरता नहीं, ठीक है, शुभदा सेकंड है, आप थोड़ा थोड़ा नरी नजदीक आए, वेरी गुड। राय कृष्णा, व्हाट इज द फर्स्ट सिम्टम? क्लेश अग्नि दाह। जैसे ही शुद्ध भक्ति हम प्रारंभ करते हैं, हमारे जीवन के सारे क्लेश गायब हो जाएंगे, सारे क्लेशों का दहन हो जाएगा। All our sufferings will go away. ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। भक्ति का मतलब ऐसा नहीं है, भक्ति का मतलब है प्रसन्न आत्मा। ये चला गया, वो चला गया, ये नहीं है मेरे पास में, वो नहीं है, सारी जिंदगी हम लोग रोते रहते हैं। भगवान की शुद्ध भक्ति का मतलब है हमारे सारे क्लेश सब चले जाएंगे, केवल आनंद हमारे जीवन में रह जाएगा। तो क्या है? क्लेश अग्नि दाह, क्लेश की जो अग्नि है उसका दहन। नेक्स्ट, किसी ने बताया था
शुभता, हमारा जीवन शुभता से भर जाएगा. आवर लाइफ विल बिकम वेरी ऑस्पिशियस. नाउ आवर लाइफ इज वेरी इनऑस्पिशियस. हमारा जीवन अभी बड़ा अशुभ है. भगवान की शुद्ध भक्ति करने से हमारा जीवन जो है अत्यंत शुभ हो जाएगा. सारे क्लेश चले जाएंगे, जीवन शुभ हो जाएगा. थर्ड, तीसरा कौन बताएगा? मोक्ष लघुत कृता. भगवान की भक्ति इतनी महान है, भगवान का भक्त मुक्ति को भी ठुकरा देता है. मुक्ति जो है भगवान के भक्त के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है, कब आपकी सेवा करूं. और भगवान का भक्त जो है मुक्ति की भी परवाह नहीं करता है. अगर भगवान की भक्ति मिले, बार बार जन्म लेना चाहता है संसार में, बोलता है मुझे मुक्ति की जरूरत नहीं है. कौन सा श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में भगवान कह रहे हैं, जन्म जन्म भगवान आपकी भक्ति मैं करना चाहता हूं. मम जन्मनि जन्मनि भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि, न धनम न जन्म. बोलते ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. एक चीज भगवान मुझे चाहिए. क्या चाहिए? हरेक जन्म में जन्मनि जन्मनि भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि, आपकी अनडिविएटेड अहेतुकी भक्ति, शुद्ध भक्ति हर एक जीवन में मैं कर सकूं, वो मेरी लालसा है. मतलब मोक्ष को भी पराजित कर देती है भगवान की शुद्ध भक्ति. बाकी लोग, ज्ञानी लोग, योगी लोग सब मुक्ति चाहते हैं भौतिक संसार से, बहुत हो गया संसार में. भगवान का भक्त मुक्ति को भी ठुकरा देता है. ये हो गया तीसरा लक्षण. चौथा, सुदुर्लभा. भगवान की शुद्ध भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है. अगर हम भगवान की भक्ति में आई हैं तो आप लोगों को समझना चाहिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, वेरी फॉर्चुनेट. ब्रह्मांडे भ्रमिते, ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद, ब्रह्मांड कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य ब्रह्मांड हैं. ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव. गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा के द्वारा भक्ति की प्राप्ति करता है. सुदुर्लभा, भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है. ये हो गया चौथा. पांचवा, कौन बताएगा? सांद्रानंद विशेष आत्मा. भगवान की भक्ति इतनी महान है, अनलिमिटेड प्लेजर, अनलिमिटेड आनंद में उस स्थान पर लाकर के भक्त को खड़ा कर देती है. और सिक्स्थ, जिसका आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो है, कम से कम छठा तो कोई भक्त बताएगा. यस, श्री कृष्ण आकर्षणी च. भगवान की भक्ति इतनी महान है, कृष्ण भगवान को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है. हम लोग सब, सारे जीव भगवान की तरफ आकर्षित हैं, लेकिन रूप गोस्वामी बताते हैं भगवान की भक्ति इतनी महान है कि भगवान भी अपनी भक्त की तरफ आकर्षित हो जाते हैं. कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र रहस्य है भगवान की शुद्ध भक्ति. तो
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए गोलोक वृंदावन धाम में भगवान जो है राधा रानी के पीछे मद है, पागल है, इतना कि भगवान जो है राधा रानी के भाव को चखने के लिए कि राधा रानी इतनी महान है, मेरे से इतना लगाव राधा रानी का क्यों है, उसको समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पर भगवान स्वयं आते हैं। राधा भाव सुवलितम। तो ये जो है प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में समझा रहे हैं। ये समय हो चुका है, इसी नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी जो है भक्ति के बारे में बताते हैं। रूप गोस्वामी दो श्लोक इस संदर्भ में समझाते हैं। रूप गोस्वामी जो है उनके बारे में, गोस्वामियों के बारे में बताया है। ये ऐसा नहीं कि ये जो छह लक्षण बताए हैं भक्ति के, रूप गोस्वामी ने अपने मनोविकार के द्वारा, मनोरथ के द्वारा लिख दिए हैं, नहीं। क्या बताया छह गोस्वामियों के बारे में? नाना शास्त्र विचार नैक निपुण सद्धर्म संस्थापक। सत धर्म को स्थापन करने के लिए इन छह गोस्वामियों ने सारे शास्त्रों को पढ़ा। नाना शास्त्र विचारने के निपुण, सभी शास्त्रों के पढ़ने में निपुण थे। किस लिए? सद्धर्म संस्थापक, सही प्रकार के धर्म की स्थापना करने के लिए। बड़ा गूढ़ है, ये सबको पता नहीं है। सब भगवान की तरफ आकर्षित है, लेकिन सब लोगों को ज्ञान नहीं है भगवान भक्ति की तरफ आकर्षित है। तो ये छह गोस्वामियों ने ये इतना सुंदर जो वर्णन किया है, ये कैसे किया है? शास्त्रों के द्वारा। जहां पर भी वो बताते हैं कहां पर शास्त्र में कहा है, उसकी टिप्पणी में बताते हैं। तो वेदों में कहां कहा है कि भगवान को उनकी भक्ति भी आकर्षित कर लेती है? रूप गोस्वामी कहते भगवत गीता में कहा है, रूप गोस्वामी कहते भागवतम में कहा है। दो श्लोकों बताते हैं। पहला श्लोक है, महात्मनस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति माश्रिता। मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, जो महात्मा हैं, वो भौतिक प्रकृति के अंदर में नहीं है। भक्ति जो है वो क्या करते हैं? भजन्ति अनन्य भक्त, अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगे हुए हैं। वो किसके अंदर में है? देवीं प्रकृति माश्रिता, वो मेरी देवी माया, देवी प्रकृति के अंतर्गत में है। तो मतलब क्या है? भगवान की भक्ति इतनी महान है, इट इज नॉट सम मटीरियल एक्टिविटी। नहीं तो हम लोग सोचेंगे, प्रभु जी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग भी मंदिर में जाके नाचते हैं, हम लोग क्लब में नाचते हैं, नाचना तो एक ही है ना, आप इधर नाच रहे हैं, हम इधर नाच रहे हैं, है ना? आप गीत गाते हैं, हम मोहम्मद रफी किशोर कुमार के गाते हैं, सब एक ही है। नहीं, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो देवी प्रकृति नहीं है, वो माया प्रकृति के अंतर्गत में है, वो दुर्गा देवी के अंतर्गत में है। जैसे अगर क्रिमिनल लोग जेल के अंदर में बैठ करके बोले, हम भी इधर इडली डोसा खा रहे हैं, तुम भी इडली डोसा खा रहे हो, क्या अंतर है, सब बराबर है। नहीं भाई, बहुत अंतर है। तुम लोग सलाखों के अंदर में, तुम लोग क्रिमिनल लॉ के अंदर में हो, हम लोग जो बाहर हैं हम सिविल लॉ के अंडर में हैं। तो जो दुर्गा देवी के अंडर में है, जो मटेरियल शक्ति के अंडर में है, वो प्रिजन हाउस में बंधे हैं,
जो भगवान की देवी शक्ति राधा रानी के अंतर्गत में है वो इस संसार से मुक्त है, महात्मा है, महात्मनस्तु माम पार्थ। उनकी एक्टिविटी क्या है? भजन्ते माम अनन्य भक्त, अनन्य भाव से मेरी भजन में लगे, ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं। ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक भागवत का है, वो डिफिकल्ट है, उसका ट्रांसलेशन मात्र पढ़ देता हूं। बड़ा सुंदर है। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, मैं किस चीज की तरफ आकर्षित हूं? भगवान स्वयं कहते हैं, यहां पर इंग्लिश में लिखा है, मैं उसको जो है हिंदी में आपको बता देता हूं। 11th कैंटो श्रीमद् भागवतम, 14th चैप्टर, 11वें स्कंद में, 14वें अध्याय में, वर्स नंबर 20, 20वां वर्स है। भगवान उद्धव से कह रहे हैं, माई डियर उद्धवा, हे प्रिय उद्धवा, यू मे नो इट फ्रॉम मी, तुम मेरे से ये जान सकते हो, अट्रैक्शन आई फील फॉर डिवोशनल सर्विस, जो आकर्षण मेरा भक्तों की तरफ है, भक्ति की तरफ है, रेंडर्ड बाय माई डिवोटी, जो मेरे भक्तों के द्वारा भक्ति मेरे लिए की जाती है, इज नॉट टू बी अटेन्ड, ये आकर्षण मेरा इवन बाय परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिक योगा। जो लोग ध्यान योग में लगे हैं, अनेकों प्रकार के योग उपासनाओं में लगे हैं, मैं उनकी तरफ भी इतना आकर्षित नहीं होता हूं। फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशन, जो लोग ज्ञान उपार्जन करने में लगे हैं, जो लोग ज्ञान के पीछे भागने में लगे हैं, मैं उनकी तरफ भी आकर्षित नहीं हूं। रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस, जो अनेकों प्रकार के यज्ञ करने में लगे हैं, उनकी तरफ भी मैं आकर्षित नहीं हूं। स्टडी ऑफ वेदांता, जो लोग वेद पढ़ रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, उनकी तरफ भी मेरा आकर्षण नहीं है। द प्रैक्टिस ऑफ सीवियर ऑस्टेरिटी, जो लोग कठोर तपस्या में लगे हैं, उनकी तरफ भी मेरा इतना आकर्षण नहीं है। और गिविंग एवरीथिंग इन चैरिटी, जो लोग पुण्य कर्म करके दान करने में लगे हैं, दानवीर हैं, उनकी तरफ भी मेरा इतना अट्रैक्शन नहीं है। दीज आर ऑफ कोर्स वेरी नाइस एक्टिविटी, ये सब पुण्य कर्म है, बट दे आर नॉट अट्रैक्टिव टू मी, लेकिन मेरा आकर्षण इनके प्रति नहीं है। एज ट्रांसडेंटल लविंग सर्विस रेंडर्ड बाय माई डिवोटी, जितना आकर्षण मेरा मेरे भक्तों के प्रति है, जो शुद्ध भाव से मेरी भक्ति में लगे हैं, उतना आकर्षण इन किसी भी चीजों के द्वारा मेरा नहीं है। तो यहां पर हम समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।